Hello students, today I am explaining you your textbook exercise of lesson number 9 English grammar, the topic the pronoun. हमने देखा था pronoun मतलब क्या होता है. हम बार बार किसी नेम या किसी चीज़ का नाम नहीं करते, इसकी जगह हम ही शी इट ऐसे रिप्लेस करते. सो दैट इज़ कॉल्ड pronoun. लड़कियों के लिए शी, बॉयज के लिए ही और चीज़ के लिए इट. फिर हमने देखा पर्सनल pronoun. पर्सनल pronoun मतलब हम persons के लिए यूज़ होता है. तो यू कैन सी हियर सिंगुलर में क्या है, आई माई मी माइन माई सेल्फ. फिर प्लूरल में वी आर आवर्स अवर्स योर सेल्स. सेकेंड पर्सन यू योर यू में सेकेंड पर्सन में यू में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं हो रहा, योर सेल्फ ही आ रहा है, तो वही प्लूरल में योर सेल्स हो रहा है. थर्ड पर्सन है तो देखो ही हिम हिज हिम सेल्फ शी हर हर्स हर सेल्फ और चीज़ के लिए इट इट्स इट्स सेल्फ. वही प्लूरल में दे देम देयर theirs and themselves. सब्जेक्ट मतलब आई यू आई ही शी इट, ये सब सिंगुलर सब्जेक्ट है, स्टार्टिंग में ही होते सेंटेंस में. आपने देखा है शी इज़ माई फ्रेंड, ही इज़ अ बॉय, आई एम रेशमा, तो ये सब जो स्टार्टिंग में आई यू वी इट आ रहा है, ही इट दैट इज सिंगुलर प्रोनाउन. ओके वही सब्जेक्ट है और यू वी दे देम ये सब प्लूरल सब्जेक्ट में आते हैं. फिर देखो हम देखो किस तरह से यूज़ करें. यू कैन ऑल्सो एक्सप्रेस लाइक दिस ओनरशिप यूज़ करें. ओनरशिप मतलब माई माई योर्स अवर्स, ये सब हमारी मतलब किसी आपकी चीज़ के बारे में नोट करता है, मतलब आप ही का है, ओनरशिप दिखाता है. तो देखो कैसे ये चेंज हो रहा है, दिस बुक इज दिस इज़ माई बुक, ऐसे बोल तो माई ही आ रहा है. अगर आप थोड़ा चेंज करके बोल रहे हो दिस बुक इज़ माई, कि सेंटेंस थोड़ा घुमाए तो वहाँ पे ये माई का माइन हो जाएगा, हर का हर्स हो जाएगा, अवर का अवर्स हो जाएगा. वही कुछ चीज़ ऐसी है जहाँ पे एस होते हुए भी वी आर नॉट यूजिंग एपोस्ट्रॉफी. यू कैन सी योर योर्स अवर्स हर्स एंड यहाँ नेक्स्ट लास्ट फिफ्थ में मैंने बोला था आपको, यहाँ देखो आई सॉ इट माई सेल्फ बिकॉज ये सिंगुलर है इसलिए. वी प्लूरल में आता तो अवर सेल्फ, यू सिंगुलर में भी होता है तो अवर सेल्फ और यू का सेम योर सेल्फ क्या हो रहा है प्लूरल में वी ई एस लग जाता है. शी तो हर सेल्फ, ही का हिम सेल्फ, दे का देयर सेल्फ. नाउ कमिंग टू द एक्सरसाइज हियर यू सी करेक्ट चूज द करेक्ट वर्ड टू इन फिल इन द ब्लैंक्स. आपको ऑप्शंस कुछ दिए हैं, ओके यू हैव टू चूज इट एंड फिल द ब्लैंक्स. द टीचर आस्क डैश अ क्वेश्चन, तो किसको पूछा ही, यू रीड आउट द टीचर आस्क ही अ क्वेश्चन, नो. टीचर आस्क His a question? No. Him a question. You can read the sentence, आपको पता चल जाएगा. Okay? The teacher asked him a question. Then, this is dash pen. मतलब ये ownership दिखा रहा है. तो she, her या hers. Hers, ours, ये सब last में होता है, ये बीच में आ रहा है. So, this is ownership word है. And we blank बीच में दिया गया, तो this is her pen. Okay? अगर बॉय होता यहाँ पे ही होता तो ही हिम और हिस आता, तो दिस इज हिस पेन ऐसे आता. दिस पेन इज डैश, देखो ये यहाँ पे भी ओनरशिप है बट डैश बाद में दिया है, पेन उसकी है. ओके तो ओनरशिप दिखा दो क्या, मैंने बोला लास्ट में जब होता है तो हम क्या करते हैं हर्स ही हर्स देयर्स देम्स ऐसे हम बोलते हैं. तो हमने क्या एस के साथ लगेगा, दिस पेन इज हर नहीं होगा, दिस पेन इज शी नो, दिस पेन इज हर नहीं, दिस पेन इज हर्स एच ई आर एस. ओनरशिप है लास्ट में है ब्लैंक तो वहाँ पे एस वाला आएगा. ओके और लड़की है यहाँ पे और कोई तो दिया नहीं है. आई एम डैश सिंसियरली, तो मैंने बोला था जैसे वो रूल्स के हिसाब से योर सिंसियरली वाई ओ यू आर एपोस्ट्रॉफी एस नहीं लगता है, वाई ओ यू आर एस सीधे ही लगता है. आई एम योर सिंसियरली, ही डिड दिस वर्क डैश, उसने अपने तरीके से किया है. ओके ही डिड दिस वर्क, ही मेल है तो हिमसेल्फ या हिज सेल्फ आता है, हिज सेल्फ यहाँ पे नहीं आता है. माई सेल्फ माई सेल्फ अपने लिए अगर सब्जेक्ट आई होता तो माई सेल्फ आता, बट योर जो सब्जेक्ट इज ही, स्टार्टिंग सेंटेंस ही से हो रहा है तो मेल कैटेगरी तो हिम सेल्फ, हर सेल्फ गर्ल्स के लिए आता है, माई सेल्फ आई के लिए आता है. सो वॉट इज द राइट आंसर, हिमसेल्फ. He did this work himself. Anita has heard dash. Anita लड़की है
तो हम क्या यूज़ करेंगे प्रोनाउन की तरह से, शी, शी हमेशा स्टार्टिंग में आता है सब्जेक्ट, हर्स वो लास्ट में होता, तो शी है अनिता हैज़ हर्ट हर्स, नो अनिता हैज़ हर्ट हरसेल्फ, लड़की इसलिए हर लगेगा, अगर वही चेकअप पे बॉय का नाम होता तो हिमसेल्फ आता, ओके। डैश शेल फिनिश दिस वर्क टुडे, देखो ब्लैंक में क्या दिया, अभी अस अवर्स, अब रीड करके देखो, अस फिनिश शेल फिनिश दिस वर्क टुडे, नो, अवर शेल फिनिश दिस वर्क टुडे, नो, सब्जेक्ट में अवर अस नहीं आता, वो बीच में आता है, ओके। सब्जेक्ट के लिए है तो सब्जेक्ट में आई यू ही शी इट दे ऐसे आता है, तो यहाँ पे क्या दिया है, वी शैल फिनिश दिस वर्क टुडे, ओके। आप सेंटेंस रीड भी कर सकते हो तो आपको समझ में आ जाएगा थोड़ा। आई लुक डैट डैश इन द मिरर, आई लुक डैट माई इन द मिरर, आई लुक डैट माई इन द मिरर, नो, आई लुक डैट माई सेल्फ इन द मिरर, ओके। नाउ राइट द फॉलोइंग सेंटेंस विद प्लूरल नाउन्स एंड प्रोनाउंस, मेक अदर चेंजेस ऑल्सो, मतलब नाउन मतलब जो स्टार्टिंग में जो होता है ही शी आई, वो जो वो भी, और प्रोनाउंस भी जो होते हैं उसको भी आपको प्लूरल से स्टार्टिंग में नाउन्स और प्रोनाउंस, प्रोनाउंस मतलब आईज ए वॉस ये सब है, ये सब प्रोनाउन है हमारे, आर वॉस आई, सो यू हैव टू चेंज दैट ऑल्सो, और बाकी भी जो चेंजेस है वो आपको करके प्लूरल फॉर्म में चेंज करना है सेंटेंस को। फर्स्ट देखो, ही इज फ्लाइंग अ काइट, तो ही का क्या हो जाएगा, ही शी इट का दे हो जाता है, आप इतना याद रखो, ओके, ही शी इट है उसका दे ही होता है, ओके। तो ही के लिए क्या हो जाएगा चेंज, एक एक वर्ड आपको अंडरलाइन करके देखना, ही को अंडरलाइन करो, ही का क्या चेंज किया, दे, इसका हमेशा प्लूरल फॉर्म क्या होता है, आर, फ्लाइंग वर्ब वैसे ही रहेगा, ओके। अ काइट की जगह क्या हो जाएगा, काइट्स, अ काइट हमेशा सिंगुलर के लिए आता है, तो प्लूरल में जब हम कन्वर्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा, अ निकल जाता है और काइट की जगह काइट्स हो जाता है, देन पुट द फुल स्टॉप, ओके, दे आर फ्लाइंग काइट्स। सेकेंड, शी इज़ अ गुड गर्ल, शी का जैसे मैंने हाई ही शी इट के लिए क्या हुआ प्लूरल फॉर्म, दे, इसका क्या हो जाएगा, आर, अ गुड गर्ल बोला है तो अ कट हो के गुड गर्ल्स, ओके, गुड इज एडजेक्टिव तो वो वही का वही है, लास्ट में क्या है ऑब्जेक्ट गर्ल, तो गर्ल्स का प्लूरल फॉर्म क्या होता है, गर्ल्स, तो दे आर गुड गर्ल्स। आई डिड दिस वर्क माईसेल्फ, तो आई का वी डिड दिस वर्क माईसेल्फ है तो उसके आई का क्या हो जाएगा, वी का आवर सेल्स प्लूरल फॉर्म में, एस सी एल एफ नहीं आएगा, वी ई एस हो जाए, वी डिड दिस वर्क आवर सेल्स, यू आर माई डियर फ्रेंड, यू प्लूरल के लिए भी सेम ही होता है सिंगल के लिए सेम, तो यू में कोई चेंज नहीं होता, ओके, सो यू वही का वही का, यू आर माई डियर फ्रेंड्स, यू आर, माई का क्या हो जाता है हमेशा आवर इन प्लूरल, यू आर आवर डियर फ्रेंड्स। ही गेव मी दिस बुक, ही का क्या हो जाता है, मैंने बोला था एक्सप्लेन कर, दे गेव वही का, दे मी का अस, हिस देयर बुक का बुक्स, he gave us their books, okay, they gave us their books। the next sixth one, the dog was running after her, the dog का क्या हो जाएगा, सिर्फ plural form है, the dogs, was का where, running वही का वही, after her है तो after them, okay, that doll is hers, ये ownership वाला, so that का क्या है, those, नहीं सॉरी, दिस बुक इज माइन, टी एच आई एस दिस आता है तो वहाँ पे टी एच ई एस सी दीस करके हम प्लूरल फॉर्म चेंज करें, दिस का दीस, बुक का बुक्स, इज माइन तो इसका आर, माइन का अवर्स, दीस बुक्स आर आर्स, ओके, दैट डॉल इज हर्स, तो डैट का क्या होता है, धोस, डॉल का डॉल्स, इसका आर होता है, हर्स का theirs, those dolls are theirs, I love my sister, I का हमेशा प्लूरल फॉर्म क्या होता है, वी, लव का लव ही रहेगा, my का our, sister का sisters, we love our sisters, next, she was playing with her doll, तो she का क्या है प्लूरल फॉर्म, they, was का where, playing वही का वही रहेगा, verb change है, with, same, हर का
देयर डॉल का डॉल्स, एक एक वर्ड आपको देखना है, दे वेर प्लेइंग विथ देयर डॉल्स. ओके, सो दिस इज द चेंज ऑफ द प्लूरल नाउन एंड प्रोनाउंस. और बाकी पीछे ऑब्जेक्ट है उसको भी आपको चेंज करके पूरे सेंटेंस को प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट करना है. सो दिस इज योर टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज, होप यू वुड अंडरस्टैंड. अगर आपको समझ में आए एक बार और दिख लेना, जो है आप उसको थे माई का अवर, आई का वी, ये जो चेंजेस है वो आप देख लो तो आपको समझ में आ जाएगा.